नमो बुद्धाय, जय भीम। आज पूरे विश्व में, विश्व को शांति और समता, बंधुत्व, मैत्री का आनंद देने वाले, उसका पाठ पढ़ाने वाले सम्यक संबुद्ध भगवान गौतम बुद्ध की जयंती। आज इस अवसर पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बहुत मंगल कामनाओं के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं बुद्ध पहाट। पिछले 5 साल से यह नागपुर के उत्तर नागपुर क्षेत्र में आयुष्मती छाया वानखेड़े और उनके सारे सहकारियों के साथ में जिसकी शुरुआत की थी, वह आज भी बरकरार है। बीच में पिछले साल से कोरोना का महामारी का प्रकोप चल रहा है, लेकिन आप सुरक्षित रहिए और सुरक्षित रहकर बुद्ध जयंती का लाभ लें। इस बुद्ध जयंती के इस पावन पर्व पर, जिसे हम त्रिगुण पावन पूर्णिमा कहते हैं, जिसमें सिद्धार्थ गौतम का जन्म, सिद्धार्थ को बोधि प्राप्ति और सिद्धार्थ के पश्चात, बोधि प्राप्ति के पश्चात भगवान गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की, इस त्रिगुण पावन बेला पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सबको मंगल कामनाएं। आइए तथागत भगवान गौतम बुद्ध को स्मरण करते हैं त्रिशरण पंचशील के द्वारा आयुष्मती छाया वानखेड़े और उनके सारे सहकारियों के साथ। आप सबको फिर एक बार मंगल कामनाएं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो सुमिच्छाचारा वीरमणी
बहनों और भाइयों, आज विश्व को शांति का संदेश देने वाले भगवान गौतम बुद्ध का जन्मदिन, जिसे पूरे विश्व में मनाया जाता है, इसे वर्ल्ड वेसाक डे इस नाम से भी जानते हैं, और कुछ लोग बैसाखी पूर्णिमा के हिसाब से जानते हैं, त्रिगुण पावन पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो भगवान गौतम बुद्ध की 2565वीं इस जयंती पर आप सबको हार्दिक मंगल कामनाएं। और ऐसे अवसर पर जब हम पूरा विश्व कोरोना की महामारी फैली हुई है, वहाँ से सब मुक्त हो, बहुत सारी बातें कोरोना की वजह से जो हो रही है वो मन के ऊपर प्रभाव करने वाली होती हैं, और ऐसे अवसर पर तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मन के ऊपर आधारित कुछ बातों को हम जानते हैं। आज इस महामारी में जो हताहत हुए, जिनका निधन हुआ, ऐसे सारे लोगों को, विश्व के सारे लोगों को हम इस माध्यम से श्रद्धांजलि भी देते हैं, और आज प्रस्तुत करते हैं मन के ऊपर चलने वाले बुद्ध की वाणी को। चल मन बुद्ध विहार चले, छाया वानखेड़े।
आइए साथियों, बुद्ध जयंती के इस पावन पर्व पर हम सब भले ही आज सारे मंदिर विहार गुरुद्वारे सारे बंद हो, लेकिन हम अपने अपने घरों में रहकर ही इस प्रकार से विहार का, भगवान बुद्ध की वाणी का हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं, करते हैं। और इस अवसर पर हम ये बताना चाहेंगे कि भगवान बुद्ध ने बहुत ही सरल मार्ग दिया जीवन जीने का, और ऐसे ही जीवन जीने का यह मार्ग बहुत सारा उकेरा है धम्मपद में। धम्मपद की गाथाओं पर आधारित आयुष्मान मिलिंद खैरकर द्वारा निर्मित बड़ा सरल है सीधा जीवन, इस प्रकार से इस आशय को लेकर के एक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं हम लोग। फिर से छाया। अवस्था में भी मन
धम्म के मार्ग चलो, बुद्ध की वाणी यह सारे संसार को शांति का प्रतीक, शांति का संदेश देते हुए सारे लोगों में भाईचारा बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही अंधकारमय ऐसे वातावरण में जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, तो वहां पर चारों दिशाओं में जिस प्रकार से खुशियां मनाई गई, अंधकार दूर हुआ, प्रकाश की ओर ले गए और बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात सारे संसार को मानव मुक्ति का संदेश देते रहे तथागत सम्यक संबुद्ध। और ऐसे ही एक गीत को लेकर, बुद्ध गीत को लेकर छाया फिर से प्रस्तुत है, जिसे स्मृति शेष रंगराज लांजेवार जी ने इसे लिखा और सुरमणि पंडित प्रभाकर जी धाकड़े इन्होंने इसे सुरबद्ध किया, स्वर दिए। और इस प्रकार से संगीतबद्ध बहुत ही बेहतरीन ऐसी रचना मराठी में, वाटे युगा युगाचा अंधार दूर जाता, प्रस्तुति छाया वानखेड़े।
अंधकार दूर होता है तथागत बुद्ध की वाणी से। ऐसी ही एक बुद्ध की वाणी को सुनाती छाया वानखेड़े, वही फिर से मराठी में एक गीत अमृत वाणी ही बुद्धाची प्रस्तुत छाया वानखेड़े और सारे सहकारी हमारे साथ में है। पिछले 5 साल से यह कारवां चल रहा है बुद्ध पहाड़ के नाम से, उत्तर नागपुर से इसकी शुरुआत हुई और आज जब 2565वीं जयंती पूरे विश्व में मनाई जा रही है तथागत भगवान गौतम बुद्ध की, तो ऐसे अवसर पर फिर एक बार आपको हार्दिक मंगल कामनाएं। और छाया, सारे संसार में दुख है हम भी जानते हैं, लेकिन सारे दुखों के पीछे रोते रहने से कोई फायदा नहीं।
आज के दौर में भी यही बात हम कह सकते हैं कि दुख तो है, भगवान बुद्ध ने कहा दुख है, दुख के कारण भी है, कारण है तो उपाय भी है, और उपाय यदि करें तो दुखों से मुक्ति हो सकती है। और इसीलिए त्रिशरण पंचशील की राह पर चलकर इन दुखों से मुक्ति का मार्ग हम पा सकते हैं। ऐसा ही एक गीत जिन्हें गुरुजी ब्रिजलाल साखरे जी ने लिखा और गाया है, फिर से आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए, त्रिशरण का नाम सुमरले छाया वानखेड़े। पंचशील का ध्यान धरे, पंचशील का ध्यान धरे।
बहन और भाइयों, 563 साल ईसा पूर्व विश्व गुरु महाकारुणिक महामानव तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण इसी वैशाख पूर्णिमा, जिसे कहते हैं बैसाख ही कहते हैं, कुछ लोग बैसाख पूर्णिमा कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, और ऐसी अब त्रिगुण पावन पूर्णिमा जहाँ पर बुद्ध सिद्धार्थ का जन्म, सिद्धार्थ का बुद्धत्व प्राप्ति की ओर बुद्धत्व होना और बुद्ध होने के पश्चात महापरिनिर्वाण, इस दिशा में इनके कदम। ऐसा एक महामानव धरती पर आया, दिन पूनम का थी बैसाखी, चांद धारा पर लेकर आई, शाक्य वंश का दीप जलाकर मानवता की ज्योत जगाई, रंग बिरंगी फल फूलों से लुम्बिनी की निखरी झांकी, पथ मैके का डाल डाल कर झूमे नाचे भंवरे पाखी, शाल्व वृक्ष की टहनी ने फिर बुद्ध जन्म की कथा सुनाई, लो बुद्ध जयंती आए रे भाई, बुद्ध जयंती आई। इस बुद्ध जयंती की पावन बेला पर आप सबको फिर से हार्दिक बधाई, बहुत मंगल कामनाएं, और प्रस्तुत कर रहे हैं गौतम मानव में महान है छाया, जिसे राम सेवक चौरसिया जी ने लिखा है, प्रस्तुत कर रही है छाया वानखेड़े। Thank you.
भगवान बुद्ध सारे विश्व की शान है। बहुत सही। और इसी प्रकार से कई साल तक बुद्ध की वाणी पूरे संसार भरे में गूंजती थी, लेकिन कुछ समय उपरांत वह धीरे धीरे भारत से लुप्त होते गई। और ऐसे समय पर एक महामानव इस धरती पर, जिसने 14 अप्रैल 1891 को जिसने जन्म लिया, उस व्यक्ति ने, जिसे संसार के उस समय के लोग जो कहते हैं संसार के सबसे बेहतरीन जो सर्वश्रेष्ठ लोग रहे हैं, 6 लोग, उनमें से एक बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस भारतवर्ष पर फिर से एक बार इस बुद्ध को ले आए, तथागत बुद्ध की वाणी को ले आए। और वह दिन था 14 अक्टूबर 1956, सम्राट अशोक विजयदशमी। और ऐसे इस दिन पर नागपुर की नाग नगरी में, नागों की नगरी में, जिस नगरी से हम लोग यहाँ आपको प्रस्तुति दे रहे हैं बुद्ध पहाड़ की, ये हमारा लगातार 5वां साल है। और इसमें आप लोग देखते होंगे 5 साल पूरे हो चुके हैं, 6वां साल चल रहा है। और इस प्रकार से छाया वानखेड़े और इनके सारे सहकारियों के साथ, जिनका मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ उसके पश्चात, लेकिन ये सब कारवां चलते रहा है। और ये धम्म का कारवां, बुद्ध के धम्म का कारवां, क्योंकि आज सारे विश्व को बुद्ध की ही आवश्यकता है। और ऐसे समय पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनका माथा कहीं और नहीं झुका, सिर्फ बुद्ध के आगे झुका, ऐसा ये महामानव, उस महामानव ने हमें बुद्ध का धम्म दिया। और उसी की बदौलत यह विकास जो हम देखते हैं सारे लोगों का, भारत का भी विकास, भारत को विश्व गुरु कहते हैं सिर्फ बुद्ध की वजह से। तो बुद्ध विश्व गुरु है, और ऐसे विश्व गुरु के नमन करता हुआ, बाबा साहब के विचारों को वंदन करता हुआ, एक मराठी में छाया वानखेड़े के द्वारा प्रस्तुत तथागताच्या चरणावरती विजयादशमी दिनी।
मंगल दिन तो जेनी, इसी मंगल दिन के ऊपर में चलकर, इसी राह पर चलकर पूरे भारतवर्ष में आज लाखों की तादाद में बुद्ध धम्म की ओर लोग चले हैं। बुद्ध धम्म यह एक जीवन जीने का तरीका है, और इस तरीके को यदि जिसने भी अपने जीवन में ला लिया तो वह उसका जीवन सफल। बुद्ध कोई देव या देवता या भगवान नहीं थे, बुद्ध आप और मेरे जैसे ही, आपके जैसे ही, हम सबके जैसे ही एक मानव थे। उनका भी जन्म हुआ और कालांतर के बाद उनका भी निर्वाण हुआ, जिसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। लेकिन कवि अपनी कल्पना अपने ढंग से पेश करता है और अपने बोल रखता है। एक ऐसा ही एक मराठी में गीत, बुद्ध देवा तुझी ज्ञान गंगा, प्रस्तुत कर रही हैं छाया वानखेड़े। बुद्ध देवा तुझे ज्ञान गंगा, बुद्ध देवा तुझे ज्ञान गंगा, मार्ग दावे हमाला प्रसंगा, बुद्ध देवा तुझे ज्ञान गंगा, मार्ग दावे हमाला प्रसंगा, बुद्ध देवा।
बहनों और भाइयों, भगवान बुद्ध की वाणी, इस वाणी का जो आचरण करें, उस पर जो चलें, उसे रास्ता मिले। बुद्ध कहते थे, मैं कोई मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं मार्ग बता सकता हूं, चलना तो तुम्हें है। और ऐसे भगवान बुद्ध के सत्य, अहिंसा, करुणा, मैत्री, प्रेम, बंधुता और विश्व शांति के संदेश को जन जन तक पहुंचाए, आओ बुद्ध गीत गाएं। प्रस्तुत कर रहे हैं छाया वानखेड़े। यहां संसार में हम देखते हैं कोई किसी को नीचा दिखाने के पीछे लगा है, जहां देखो वहां एक दूसरे से संघर्ष जारी है, लड़ाइयां जारी हैं। लेकिन यही यदि प्रेम और भाईचारा रहे, मैत्री रहे, तो ये सारी बातें दूर हो सकती है। और ऐसी ही बातों को दर्शाता यह गीत, कभी दिल किसी का दुख न पाए। छाया
बुद्ध ने सिखाया, कभी दिल ना किसी का तोड़ो या कोई दुखी ना हो। तो ऐसे तथागत को हम वंदन करते हैं, हम प्रार्थना ही नहीं करते वंदन करते हैं। प्रार्थना यह हो जाता है कि मांगने वाली बात, बुद्ध को वंदन करते हैं कि हम आपके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे और उस मार्ग पर चलेंगे। मराठी में फिर एक बार छाया वानखेड़े, तुला वंदनेची फूले वाहतान।
पाठ तुझा नसी मानवा मानवी मार्ग दुजा बहुजन हिताचा बहुजन सुखाचा बहुजन हिताचा बहुजन सुखाचा तुझा मार्ग रे लोकशाही मताचा तुला वंदनेची फुले वाहताना तुला नेत्र मिटुनी असे जाहताना मला जाग येते नव्या चिंतनाची फुली सर्व होती हवाळे मनाची तुला वंदनेची फुले वाहताना तुला नेत्र मिटुनी असे जाहताना तुला नेत्र मिटुनी असे जाहताना तुला नेत्र मिटुनी असे जाहताना। आगे फिर बुद्ध जयंती के इस पावन पर्व पर छाया आपको फिर एक बुद्ध की प्रस्तुति दे रही है, बुद्ध के गीत की प्रस्तुति मराठी में। तुझाच गौतमा पड़े प्रकाश भूवरी, छाया वानखेड़े। ये गीत प्रस्तुत करने के पहले मैं सबको, हम तमाम कलाकारों की ओर से बुद्ध जयंती की हार्दिक शुभेच्छाएं देती हूँ। और साथ ही में मैं मेरे जो वादक कलाकार है सिंथेसाइजर पर है भूपेश सवाई, निवेदन जो इतना अच्छे से संभाला है मामन राव जी सोमकुर, तबले पर हैं राहुल जी देशमुख, ढोलक पे हैं प्रमोद बावने और ऑक्टोपैड पे है रोशन उके। ये बुद्ध पहाड़ के अंतर्गत मैं हर साल ये कार्यक्रम करती हूँ और ये इस साल छठा साल है। पिछले साल से हम ऑनलाइन ही चला रहे हैं, ऑनलाइन की दिक्कतें आप सभी को भी पता है कैसी होती है, थोड़ा प्रोग्राम लेट चालू हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आप सबको वापस बुद्ध जयंती की शुभेच्छाएं देकर ये मेरा आखिरी गीत पेश करती हूँ। Oh।
बहुत बहुत साधुवाद। बुद्ध पहाड़ पिछले 5 साल से यह कारवां ऐसे ही चल रहा है। बुद्ध जयंती के पावन पर्व पर, त्रिगुण पावन पूर्णिमा के पर्व पर यह शुरुआत छाया वानखेड़े इनके माध्यम से हुई। सबसे पहले उनको भी हम साधुवाद देंगे इस अवसर पर, क्योंकि यह मौका, इस प्रकार का मौका बुद्ध पहाड़ नागपुर की नगरी में, जहां बाबा साहब ने इस बुद्ध धम्म का झंडा फिर से गाड़ दिया भारत के सरजमी पर, तो ऐसे समय पर इनका साधुवाद। यहां बुद्ध पहाड़ इस कार्यक्रम के लिए हमारे साथी जिस प्रकार से हमें सहकार्य कर रहे थे, उन सबको भी साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। आप सबको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैं छाया वानखेड़े को फिर से एक बार बधाई दूंगा और मंगल कामना दूंगा, क्योंकि मैत्री इंडिया ये जो हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल है, यह भी इसी छाया, जो हमारी छोटी बहन है, तो इनके इस प्रोग्राम से ही करीब 2 साल पहले बुद्ध नगर के उस बुद्धा पार्क में बुद्ध पहाड़ से ही हमारे मैत्री इंडिया इस चैनल की शुरुआत हुई थी। तो उनको फिर एक साधुवाद और आप सबको हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए। हम चाहते हैं देश करुणा मुक्त हो जाए, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए, चारों ओर प्रेम और भाईचारा का वातावरण हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।